Hello and welcome to Officers Academy online classes. This is lecture 3, so obviously we have done two additional lectures already, lecture 1 and lecture 2. So lecture 1 mein humne padha tha the history and evolution of our Indian constitution, especially in modern sense, and in lecture 2 we have had the nature of our constitution. क्या हमारा संविधान फेडरल है या यूनिटरी है, और फेडरल और यूनिटरी को ध्यान में रखते हुए हम क्या बोलेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को, कि रिजिड है या फ्लेक्सिबल है. वी हैव डन इन लेक्चर 2. तो हमने दो लेक्चर्स किए हैं. इफ यू हैव नॉट सीन देम, आई वुड रिकमेंड दैट गो फर्स्ट वॉच लेक्चर 1 देन लेक्चर 2 एंड नाउ कम टू द थर्ड This one lecture 3. तो इस तीसरे में we are going to discuss the parts of the constitution and the schedules. हम दो sections cover करने जा रहे हैं आज. पहला है parts of the constitution, कि संविधान हमारा कितने भागों में divide हुआ है, और दूसरा है कि संविधान में कितने schedules हैं. हिंदी में बोलते हैं schedules को अनुसूची. तो संविधान के भाग कितने हैं और संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और उनमें क्या क्या कंटेंट्स हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. सो अब हेडिंग डाल लो पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स. तो यू नो ये जो शुरू की चीजें होगी लाइक द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें ज्यादातर चीजें फैक्चुअल्स हैं. फैक्चुअल इन द सेंस मीन्स हमें ये मेमोराइज करना होता है कि हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कौन सा पार्ट किस लिए है और उसमें कौन से आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प मी, हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प मी इफ आई मेमोराइज द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. So frankly speaking, if you know the parts of the constitution and its schedules, they are going to help you in both ways. In attempting prelims questions, जिसमें ज्यादा cases और ज्यादा questions होते हैं इससे, and while answering mains also, it can enrich your answer, it can add value additions to your answers. और प्रीलिम्स में तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें हमें पार्ट्स अगर पता है तो हम उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं भी हैं तो अगर हमें पार्ट्स और उनके आर्टिकल्स की जानकारी होती है तो विद दैट हेल्प हम इजिली एक लॉजिकल गेस कर सकते हैं, और ये लॉजिकल गेस प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करता है, बिलीव मी. सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अभी आपको पता ही होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट्स में था. ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स. 22 भाग थे इसके और 8 अनुसूचियां थी. भाग आज भी 22 हैं हमारे, उनमें कुछ एक दो जो ऐड हुए हैं वो उसमें ए बी सी करके ऐड हुए हैं, तो वो 22 से 23, 24 या 25 नहीं कहलाएंगे, वो 22 ही भाग हैं. लेकिन अनुसूचियां हमारी मींस शेड्यूल्स दे आर नॉट 8 नाउ, अब वो 8 नहीं रही हैं बल्कि वो बढ़कर हो गई हैं 12, मींस 4 मोर हैव बीन एडेड, 4 और जोड़ी जा चुकी हैं. तो या दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट. कई बार जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स पढ़ रहे होते हैं तो वी फॉरगेट प्रीएम्बल, हम इस बात पे ध्यान नहीं देते कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है. वी जस्ट गो विद 22 पार्ट्स, जो बुक्स में अक्सर हमें या फिर चैनल्स पे मिलता है, हम केवल उन्हीं 22 भागों से जाते हैं. बट आई वुड से दैट कि अगर आप पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं तो आप उसमें प्रीएम्बल को भी इंक्लूड करें. प्रीएम्बल इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन. प्रीएम्बल भी हमारी प्रस्तावना भी हमारी संविधान का एक अभिन्न भाग है.
अब ये कब हुआ कैसे, इसके ज्यादा डिटेल्स हम जब प्रियम्बल पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल करेंगे प्रियम्बल के बारे में कि ये पार्ट है नहीं है, क्या था शुरू में था या नहीं था। अभी बस आप इतना ध्यान रखोगे कि वाइल वी आर रीडिंग 22 पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यू मस्ट इंक्लूड प्रियम्बल ऑल्सो। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट क्या मेंशन करोगे? प्रियम्बल। सेकेंड पॉइंट आपका होगा पार्ट वन। तो अब जो 22 भाग हैं संविधान के उनको हम अलग-अलग करते चल रहे हैं। इनमें आपके लिए केवल तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तीन बातें जिन पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। पहली बात कौन सा भाग है, दूसरा किस अनुच्छेद से शुरू होकर किस अनुच्छेद पर समाप्त हो रहा है, और तीसरा ये भाग किससे संबंधित है। किससे मतलब ये यूनियन का पार्ट है और इट इज पार्ट ऑफ स्टेट और इट इज पार्ट ऑफ पंचायती राज, तो ये किसका पार्ट है। आप केवल तीन बातों पर ध्यान रखोगे। द फर्स्ट पॉइंट आई वुड रिपीट इट, द फर्स्ट पॉइंट पार्ट, सेकेंड नेम एंड द थर्ड रिलेटेड आर्टिकल्स। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट वन। पार्ट वन में क्या है? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। पार्ट वन किससे रिलेटेड है? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से, और इसमें आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 1 to 4। 1 to 4 मीन्स आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4। ये चारों आर्टिकल्स किसके पार्ट हैं? हमारे संविधान के भाग एक के। और उस भाग एक या पहला भाग उसका नाम क्या है? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। पार्ट टू, पार्ट टू इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। पार्ट टू किससे रिलेटेड है? सिटीजनशिप से, और नागरिकता, हिंदी में बोलते हैं नागरिकता। और अनुच्छेद कौन कौन से हैं? आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11। कौन से अनुच्छेद? आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11 मीन्स अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये किसके हैं? भाग दो के। नाउ कम टू दी पार्ट थ्री। पार्ट थ्री इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। पार्ट थ्री इज फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद हैं इसमें आर्टिकल्स आर देयर आर्टिकल 12 to आर्टिकल 35 मीन्स 12, 13, 14, 15 up to 35। तो तीन पार्ट आपने अभी तक पढ़े, पार्ट वन यूनियन एंड स्टेट्स एंड टेरिटरीज मतलब यूनियन का भूभाग, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, पार्ट टू सिटीजनशिप, पार्ट थ्री फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, लेट्स मूव फॉर अनदर पार्ट फोर। डीपीएसपी मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निदेशक तत्व। आर्टिकल्स हैं इसमें 36 to 51। 36 to 51 ये बाद में ऐड हुआ, पार्ट फोर ए। पार्ट फोर ए किससे जुड़ा हुआ है? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। और ये कब ऐड किया गया है इसके लिए? सॉरी, इसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 51A, और ये जोड़ा गया है एडेड बाय CAA 42 और CAA 86। CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन 42वां हुआ था 1976 में, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज उसमें ऐड की गई और एक जोड़ा गया संविधान संशोधन 86वें में, 86 में इन 2002। अब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? अगर आपको कभी कंफ्यूजन होती है तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, 4 + 2 = 6 मीन्स 76। ठीक है, तो पार्ट 4A आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42nd 1976 एंड वन मोर इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 86 2002।
Part 5 related to the union, केंद्र, related to the union, केंद्र. Articles हैं Article 52 to Article 151. अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक union है पांचवें भाग में. Part 6 is related to the states. छठवां भाग किससे जुड़ा हुआ है? States से. कौन से आर्टिकल्स हैं? 152 से 237. कौन से? आर्टिकल 152 और 152 से लेकर 237 तक भाग 6 हैं. Now part 7. Part 7 जुड़ा हुआ है हमारे जो first schedule है, पहली अनुसूची, उसके पार्ट बी से. जब आप अभी आने वाले दो चार मिनटों में, कुछ समय में, जब हम शेड्यूल्स पढ़ेंगे अनुसूची, तब आप उसमें देखोगे कि हमारी जो पहली अनुसूची है, शुरू में ये चार भागों में डिवाइड थी, जो उसमें स्टेट्स हैं, मींस ए बी सी और डी, चार अलग अलग भागों में अनुसूची में राज्यों के नाम लिखे थे. तो वे सभी स्टेट्स जिनका नाम बी पार्ट में था, वो पार्ट 7 में थे, बट चूंकि अब वो सिस्टम हटा दिया गया, इसलिए ये भी हटा दिया गया है. नीचे लिखा हुआ है रिपील्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सातवें संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 में. इसके तहत पार्ट 7 आज हट चुका है. मींस आप याद रखोगे कि भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सातवां अब नहीं है, अब 6 के बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 8. क्लियर? Alright, moving next. Part 8 related to Union Territories, केंद्र शासित प्रदेश. अनुच्छेद कौन से हैं? Article 239, 240, 241 and 242. 239 से 242 तक. Part 9, नौवां भाग, पंचायत से संबंधित है और आर्टिकल केवल इसमें एक है, 243, 243. अब ये 243 से 243 ओ क्यों हो गया है? ये इसलिए क्योंकि भाग 9 में आगे दो बातें और जोड़ी गई. एक तो जोड़ा गया पार्ट 9A, भाग 9A, एंड इट इज रिलेटेड टू म्यूनिसिपलिटीज. म्यूनिसिपलिटीज नगर निगम, जैसे गांवों के लिए पंचायत, वैसे शहरों के लिए नगर निगम. ये भाग 9 में एक अगला पार्ट जोड़ा गया था ए, ठीक है? तो वो जो पंचायती सिस्टम था, पंचायत का, वो था ओ तक, और ये शुरू है पी से लगाकर जेड, और जेड के बाद फिर ए बी सी डी करके कहां तक आ जाएगा? जी तक, ठीक है? कब जोड़ा गया ये? संविधान संशोधन नंबर 74वां 1992 में. मींस इट वाज इंसर्टेड और एडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 74 इन 1992. एक और जोड़ा गया भाग 9 का बी. तो 9 में कितने हो गए? 9 में अब हो गए 3. 9वां पंचायती राज गांवों के लिए, 9 का ए म्यूनिसिपलिटीज शहरों के लिए, 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज सहकारी संस्थाएं. ये 97वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई 2011 में. आर्टिकल्स कौन है? 243, जेड से शुरू करके एच से जेड टी तक. यहां पर थोड़ा सा मिसिंग है, ये जेड एच होना चाहिए था, केवल एच नहीं, 243 जेड एच, ठीक है? तो आप ये सही कर लेंगे, इट इज टाइपिंग एरर. 243ZH से 243ZT तक है 9B. पार्ट 10 शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया से है, अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र से, अनुच्छेद 244, केवल एक ही आर्टिकल है 244. पार्ट 11 रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, केंद्र और राज्य के बीच संबंध. तो आप ध्यान रखोगे कि केंद्र और राज्य के बीच तीन तरीके के संबंध होते हैं. पहला तो होता है विधायी संबंध, दूसरा कार्यपालिका संबंध, एंड द थर्ड वन इज वित्तीय संबंध.
लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फिनेंशियल रिलेशंस। तो जो शुरू के दो हैं, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, विधायिका और कार्यपालिका वाले संबंध, वो भाग 11 में है, पार्ट 11 में। अनुच्छेद है आर्टिकल 245 से 263 तक। और जो वित्तीय संबंध है, फिनेंस, प्रॉपर्टी, ये सारे रिलेशन, ये किसमें आते हैं? पार्ट 12 में, भाग 12 में। आर्टिकल कहां तक है? 63 तक था 11 में, तो 64 से 264 से शुरू करके 300 ए तक, ये भाग 12 में है। पार्ट 13 नाउ, ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन इंडिया, देश में व्यापार से संबंधित, आर्टिकल 301 से 307 तक। पार्ट 14, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, सेवाएं, चाहे वो अखिल भारतीय सेवाएं हो या अन्य सेवाएं, आर्टिकल 308 से 323 तक। पार्ट 14A, 14 में कौन सा जोड़ा गया? 14A ऐड किया गया, किस लिए? ट्राइब्यूनल्स के लिए। ट्राइब्यूनल्स जोड़े गए, जिसमें केवल दो अनुच्छेद हैं, 323 में ए ऐड किया गया और बी ऐड किया गया। जोड़ा कब गया? संविधान संशोधन 42वें में, 1976 में। क्लियर? अब याद रखोगे, ज्यादातर चीजें 42वें संविधान संशोधन में जोड़ दी गई हैं, और 44वां 44th संविधान संशोधन, उसमें ज्यादातर चीजें हटाई गई हैं। तो फिर पार्ट 15 है, 15, दैट इज इलेक्शंस, और आर्टिकल्स हैं 324 से 329A। नाउ पार्ट 16, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, अलग अलग वर्गों से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान, जिसमें हमारे आर्टिकल्स आ जाते हैं 330 से 342। अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग प्रावधान, मीन्स जैसे एससी, एसटी या ओबीसीज, इनको लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन है नहीं है, कितनी सीट्स हैं, ये सारे प्रोविजंस इसमें आते हैं। हम लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, जॉब्स या फिर शिक्षा के क्षेत्र में नहीं। पार्ट 17 रिलेटेड टू लैंग्वेजेज, भाषा से संबंधित है, आर्टिकल्स 343 से 351 तक। पार्ट 18 रिलेटेड टू इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 352 से 360। ज्यादातर लोगों को ये अनुच्छेद याद रहते हैं कि आपातकालीन उपबंध अनुच्छेद 352 से 360 तक में है। पार्ट 19 मिसलेनियस, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि राज्यपाल के खिलाफ केस होगा नहीं होगा, राष्ट्रपति के नाम पर आप FIR कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये सब आपको इसमें मिलेंगे, आर्टिकल 361 से आर्टिकल 367 तक। भाग 20, पार्ट 20, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन है, और काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको जरूर याद होना चाहिए, आर्टिकल 368। पार्ट 21, टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, मीन्स तत्कालिक उपबंध या आपातकालीन, तो आपातकालीन कहना नहीं सही है, तत्कालिक, अस्थाई कह सकते हैं, अस्थाई या तत्कालिक उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392। ये आज के दौर में इंपॉर्टेंट हो गया है, कंसीडरिंग आर्टिकल 370 एंड जम्मू कश्मीर स्टेटस, जो इसी का भाग था। भाग किसका भाग था? 370 अनुच्छेद 21 का। और आखिरी भाग है हमारा 22वां, 22nd, दैट इज रिलेटेड टू शॉर्ट टाइटल, डेट ऑफ कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, ये सारी चीजें हैं, और इसका अनुच्छेद है आर्टिकल 393 से 395। तो हमने संविधान के पूरे 22 भाग कवर किए, लेट्स रिवाइज देम ताकि आपको आसानी से याद हो सके। आई वुड ट्राई टू मेक एन इमेज, मैं थोड़ा सा इनको लॉजिकली जोड़ना
जोड़ने की कोशिश करूंगा टू मेक इट इजियर ताकि आप उसे आसानी से याद कर सकें. सो फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वी रेड वॉज प्रियम्बल. तो सबसे पहले तो प्रियम्बल आता है संविधान में, ये आपको पता है, तो ये प्रियम्बल हो गया, इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है. यू नो इट वेरी वेल, यू कैन डू इट वेरी वेल. नाउ द रिमेनिंग 22. अब आप ध्यान से देखो और अब आप लिखना बंद करके जस्ट फोकस, आपको ज्यादातर चीजें मैं तुरंत याद करा दूंगा. फॉर एग्जाम्पल देखिए, इफ यू कंसिडर अबाउट एनी कंट्री, अगर हम किसी राष्ट्र की बात करें तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज. भाई अगर देश का कोई भूभाग ही नहीं होगा, कोई लैंड नहीं होगी, तो फिर देश कैसा होगा. तो पहला पार्ट किसका है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जो क्षेत्र है हमारा भूभाग. ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आते हैं. अभी हम आर्टिकल्स बाद में रिवाइज कर लेंगे, पहले हम पार्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं ताकि आसानी से आप याद कर सको. सो फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज. अब पहला तो हो गया भूभाग, तो दूसरा उसमें कौन रह रहा है, मींस सिटीजनशिप, नागरिकता. तो पहला भूभाग, दूसरा नागरिकता, सिटीजनशिप. फिर तीसरा बचता है कि जो लोग रह रहे उनके पास क्या क्या अधिकार हैं. तो पार्ट थ्री हमारा हो गया फंडामेंटल राइट्स. और चौथा है जो उन पर शासन करेगा उसको किस तरीके से शासन करना है, डीपीएसपी. पार्ट फोर हो गया. तो पहला यूनियन, दूसरा यूनियन में रहने वाले लोग यानी नागरिकता उनकी, तीसरा उनके अधिकार मींस फंडामेंटल राइट्स, और चौथा किस तरीके से उनको गवर्न किया जाएगा मींस डीपीएसपी. फोर वी हैव डन. 4A अलग से ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए, कि अगर राइट्स हैं तो ड्यूटीज भी होना चाहिए. तो यहां तक का तो आई होप इट इज क्लियर नाउ. लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं. तो 4A तक हमने कर लिया है, तो अब क्या बचा. अब देखिए, आप ध्यान से आइए, सबसे पहले होती है केंद्र की सरकार, फिर किसकी होती है, राज्य की सरकार. तो पहले केंद्र की सरकार, फिर राज्य की सरकार, और उसके बाद फिर कौन सा बचा, तो भाग पांच हमारा, दी फिफ्थ पार्ट, यूनियन, सिक्स स्टेट्स, पहले केंद्र फिर राज्य, और सातवां भी राज्य था बट वो डिलीट हो गया है, तो वो तो हो गया. तो केंद्र हुआ, राज्य हुआ, राज्य के बाद क्या बचता है, केंद्र शासित प्रदेश, मींस यूनियन टेरिटरीज, भाग आठ. यहां तक के याद हो गए आपको, आठ तक के. आई वुड लाइक टू रिपीट इट, पहले केंद्र की सरकार पार्ट फाइव, स्टेट की सिक्स, सेवंथ भी स्टेट था डिलीट हो गया है. तो केंद्र हुआ, राज्य हुआ, तो देश में बचा क्या, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, दैट इज इट. यहां तक का है. अब इसको आप और नीचे ले जाओ शासन व्यवस्था में. आठ के बाद नौवां आता है फिर पंचायती राज, पंचायतों से जुड़ा हुआ. नौ में दो और जुड़ गए, पंचायत गांव में. 9A नगर निगम शहरों में, म्युनिसिपलिटीज. 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज और छोटे छोटे टुकड़े सहकारी संस्थाएं. कंफर्म है, पहला यूनियन था, फिर उसमें नागरिकता थी, फिर उसमें लोगों के अधिकार थे, फिर कैसे उन्हें शासन करना है और फिर उनके कर्तव्य क्या है, फिर केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, फिर राज्य का था डिलीट हुआ, फिर केंद्र शासित, और उसके बाद फिर आ गए पंचायती राज. अब क्या इन पंचायती राज के बाद कुछ बच रहा है क्या, ऑब्वियस है बचेगा. अब क्या बच रहा है, कुछ और क्षेत्र हैं जिन पे अलग तरीके से शासन किया जाता है, उनको हम बोलते हैं शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, अनुसूचित क्षेत्र. तो ये हमारा अगला भाग हो गया. तो हमने 10 तक ये कवर कर लिया, तो अब बचे केवल 12 अंतिम के, शुरू के 10 हो गए 22 में. तो अब 11वां क्या होगा, केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार है, तो दोनों में संबंध क्या है. तो वित्तीय संबंध को छोड़कर, मीन्स विधायी संबंध और कार्यपालिका के संबंध 11वें में, वित्तीय संबंध 12वें में. अब क्योंकि वित्तीय संबंध है तो 13वां ठीक वित्त से ही जुड़ा हुआ आ जाता है कि पूरे देश में व्यापार कैसे होगा. ये 13 हो गए. 14 पे चलते हैं, 14 सर्विसेज थी, और उसके बाद फिर 14 का ए ट्राइब्यूनल्स, फिर 15 में चुनाव, 16 में कुछ विशेष उपबंध अलग अलग लोगों के लिए, जैसे लोकसभा या राज्यसभा में क्या आरक्षण होगा, या विधानसभा में SC ST OBC को. फिर 17 भाषा,
और भाषा को ही प्रतिबंधित या नियमित करने के लिए क्या आ जाता है? आपातकाल। तो 17 के ठीक बाद 18 आपातकाल, याद रखेंगे भाषा का सीधा संबंध आपातकाल से है 18। 19 में फिर मिशलेनियस चीजें हैं, 20 संविधान संशोधन है, 21 अभी चर्चा में ही था 370 हटने से, मैं अब 370 से आप इसे याद रखोगे टेम्परेरी है, और 22 में कुछ नहीं है। कुछ नहीं से मेरा मतलब है कि जस्ट शॉर्ट टाइटल्स, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, मीन्स संविधान में जो एक दो शब्द यूज किए गए, कब वो आएंगे, लागू होंगे, कब वो हटेंगे, किस टाइटल क्या है, डेट क्या है, ये सारी चीजें 22 में है। सो होप यू आर क्लियर नाउ, मूविंग नेक्स्ट। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं शेड्यूल्स। शेड्यूल्स हिंदी में बोलते हैं अनुसूचियां। सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओरिजिनली देयर वर 8 शेड्यूल्स। जब हमारा संविधान शुरू में बना तब केवल कितने थे? 8 थे। 4 मोर वर एडेड आफ्टरवर्ड्स एंड नाउ वी हैव टोटल 12 शेड्यूल्स। पुट हेडिंग फर्स्ट शेड्यूल। पुट हेडिंग फर्स्ट शेड्यूल, पहली अनुसूची में क्या है? सो द फर्स्ट शेड्यूल इज रिलेटेड टू आर्टिकल्स 1 एंड 4। 1 एंड 4 से आप ध्यान रखोगे ये 1, 2, 3, 4 पूरा नहीं है, इट इज ओनली आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 4, नॉट आर्टिकल 2 एंड 3, ठीक है? और है क्या फर्स्ट शेड्यूल में? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। द फर्स्ट शेड्यूल इज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। दीज आर द नेम्स, दीज आर द नेम्स, यू नो ऑल देम, आपको ये बातें पता है, बट आई हैड मेंशन, इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अगर आपने ध्यान ना दिया हो, तो दैट इज वी हैव नाउ ओनली 28 स्टेट्स। व्हाई? बिकॉज जम्मू कश्मीर इज नो लॉन्गर अ स्टेट। सो इफ जम्मू कश्मीर इज नो लॉन्गर अ स्टेट, ऑब्वियसली वी डोंट हैव 29 स्टेट्स, वी आर हैविंग ओनली 28 स्टेट्स। एंड द लास्ट वन वॉज तेलंगाना, एंड दिस वन हियर अगेन इंपॉर्टेंट, दैट इज वी हैव नाउ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। लास्ट की दो इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान रखोगे, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि कई बार यूपीएससी में ऑर्डर पूछ लेता है, ऑर्डर इन द सेंस पहले जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनता है या पहले लद्दाख बनता है, कौन पहले बना, विच केम फर्स्ट। तो जनरली हमें ये लगता है कि सिंस जम्मू कश्मीर स्टेट इज बाइफर्केटेड इनटू टू पार्ट्स, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी लद्दाख, तो दोनों साथ में बने। लेकिन एज पर द गजट, एज पर द नोटिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नंबर 8 मींस जो पहले आया दैट इज जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, एंड नंबर 9 दैट इज लद्दाख टेरिटरी। तो आप ध्यान रखोगे पहले जम्मू कश्मीर बना, बाद में लद्दाख, एज पर द नोटिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो अब ये फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट है कि ओरिजिनली द स्टेट्स एंड देयर टेरिटरीज वर स्पेसिफाइड इन पार्ट ए बी सी एंड डी, और डी में तो केवल अंडमान एंड निकोबार ही था। तो शुरू में जब हमारा संविधान बना तो पहली अनुसूची में जितने भी स्टेट्स थे उनको 4 भागों में डिवाइड करके रखा गया था, पार्ट 1 में कुछ स्टेट्स थे, पार्ट बी में कुछ थे, सी में कुछ थे, और डी में केवल अंडमान एंड निकोबार था। बट जैसा कि अभी हमने पहले भी पढ़ा था, ये सारी चीजें समाप्त कर दी गई कब? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया 1956 में, और उसके अनुसार फिर संविधान का 7वां संशोधन हुआ, और उसने ये ए बी सी डी की कैटेगरी समाप्त कर दी। और उस समय मींस इन 1956 वी हैड 14 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। हमारे पास उस समय केवल कितने स्टेट्स थे? 14, और 7 यूनियन टेरिटरीज थी। इफ यू नो द नेम जस्ट डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट वर द नेम ऑफ दोज 14 स्टेट्स और व्हाट वर द नेम्स ऑफ द 7 यूनियन टेरिटरीज एट दैट वेरी टाइम। हाँ, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, आप ये ध्यान रखोगे, व्हाट जनरली हैपेंस दैट सम पीपल थिंक दैट इफ स्टेट्स आर मेंशन्ड इन द शेड्यूल इट मींस दैट दे वुड बी परमानेंट।
लोगों को लगता है कि चूंकि ये शेड्यूल में है तो राज्य तो हमेशा होंगे, बट यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि देयर एग्जिस्ट नो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दैट एनी स्टेट मेंशन इन द शेड्यूल वुड बी कंटिन्यूड परपिचुअली। ऐसी कोई संवैधानिक गारंटी नहीं है कि कोई राज्य आज है तो वो हमेशा रहेगा सिर्फ इस आधार पर कि इस शेड्यूल या इस अनुसूची में है। कभी भी कोई भी राज्य समाप्त हो सकता है, बाइफरकेट हो सकता है, उसकी जगह पे दूसरे नए राज्य आ सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। पॉइंट जो लास्ट सेकेंड लेक्चर अगर आपने देखा हो तो क्वेश्चन पूछा गया था एक कि इंडिया इज अ यूनियन, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन बट डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, उस क्वेश्चन में ये आप आंसर कर सकते हो। ऑब्वियसली हियर पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू टोटली डिसइंटीग्रेट अ स्टेट एंड इट्स टेरिटरीज टू द अदर स्टेट्स। ये पार्लियामेंट के पास पूरी तरह से अथॉरिटी होती है कि पार्लियामेंट किसी भी स्टेट को समाप्त कर सकता है या डिवाइड कर सकता है। ठीक है, कौन? पार्लियामेंट, द टर्म हियर इज। स्टेट खुद से अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकता कि हम तीन या चार भागों में अपने आप को डिवाइड कर ले रहे हैं। नो, ओनली द पार्लियामेंट कैन डू सो। सेकेंड शेड्यूल किससे रिलेटेड है? सैलरीज एंड अलाउवेंस एंड प्रिविलेजेस, जो भी वेतन और भत्ते मिलते हैं। ठीक है, अब यहां पर एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि सेकेंड शेड्यूल में या दूसरे अनुसूची में किस किस की सैलरी या अलाउवेंस की बात की जाती है। तो इसमें है प्रेजिडेंट इन यूनियन, गवर्नर इन स्टेट, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर दोनों में, लोकसभा और राज्य की विधानसभा। मतलब केंद्र की बात करें तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इन लोकसभा, और राज्यों की बात करें तो राज्य विधानसभा में असेंबली में जो भी स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर हैं उनकी, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, सेम वही केंद्र में राज्यसभा और राज्यों में विधान परिषद, इफ इट एग्जिस्ट, जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां के लिए, और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस, और कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कुछ लोग हैं जिनकी सैलरीज और अलाउंस सेकेंड शेड्यूल में मेंशन्ड है। एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, आप ध्यान रखोगे। प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड, द टर्म हियर इज नॉट इंक्लूडेड। कई बार लोगों को लगता है कि चूंकि भारत में तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रधानमंत्री ही मेन है, मेन इन द सेंस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इन प्रैक्टिस, तो प्राइम मिनिस्टर ही मेन है, तो लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री का नाम तो होना ही चाहिए क्योंकि ऑब्वियस है प्रधानमंत्री ही सब कुछ कर धर रहा है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ फैक्ट कि आप ध्यान रखोगे कि द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो उनके बाकी मंत्रियों का तो सवाल ही नहीं बनता, उनका नाम सेकेंड शेड्यूल में नहीं है। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, द टर्म वाइस प्रेजिडेंट हैज नॉट बीन मेंशन्ड। उपराष्ट्रपति को कितनी सैलरी या क्या उसके अलाउंसेस हैं, ये दूसरी अनुसूची में है जरूर, लेकिन उपराष्ट्रपति शब्द उसमें नहीं है। द टर्म वाइस प्रेजिडेंट हैज नॉट बीन यूज्ड। तो फिर सवाल आता है कि जब वाइस प्रेजिडेंट टर्म नहीं है तो फिर कैसे उसकी सैलरीज मेंशन्ड है? आप ध्यान दो तो हमने पढ़ा था द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का जो सभापति होगा उसको कितनी सैलरी या अलाउंसेस मिलेंगे, ये मेंशन है, ना कि उपराष्ट्रपति को। और चूंकि सभी को पता है कि वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति है, और इसलिए राज्यसभा के सभापति होने के रूप में उसको सैलरी मिलती है, उसको उपराष्ट्रपति के रूप में सैलरी नहीं मिल रही है। Are you getting the point? The vice president is not receiving salaries and allowances as per the second schedule because the person is vice president. No, he or she is receiving because they are mentioned as the chairperson of the Rajya Sabha in the second schedule. ठीक है? Third schedule, तीसरी अनुसूची। तीसरी किससे जुड़ी हुई है? फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, शपथ से जुड़ा हुआ। ठीक है,
अब इनमें अलग अलग तरीके के होते हैं, देर आर एट वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन किसकी शपथ लेता है, समटाइम्स दे आर आस्क्ड इन एग्जाम्स बट जनरली दे डोंट आस्क। तो बस एक बार मैं ब्रीफ में बताता चल रहा हूं, आप ध्यान देते चले जाओगे, अदरवाइज दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं इफ यू आर नॉट सो इंटरेस्टेड। तो जैसे पहले में है फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर अ मिनिस्टर फॉर द यूनियन। यूनियन का मिनिस्टर क्या शपथ लेगा, ये पार्ट वन में है, मतलब तीसरे अनुसूची में अलग अलग पार्ट हैं। तो पार्ट वन में है मिनिस्टर यूनियन का कैसे शपथ लेगा, क्या शपथ लेगा। यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नो सेपरेट ओथ फॉर प्राइम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई अलग से ओथ सेरेमनी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो केंद्र के मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या है, प्राइम मिनिस्टर मतलब मिनिस्टर ही प्राइम मिनिस्टर होता है ना, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनका मेन प्राइम मिनिस्टर है, तो वो केवल मिनिस्टर के रूप में शपथ लेता है, नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में नहीं लेता है, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, फॉर्म्स ऑफ ओथ ऑफ सीक्रेसी फॉर अ मिनिस्टर ऑफ यूनियन। यूनियन के मिनिस्टर को सीक्रेसी की, जैसे आप सुनते हो ना न्यूज़पेपर्स में, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगी, तो पहला वाला पद की शपथ थी, दूसरी वाली सीक्रेसी की शपथ है, गोपनीयता की। फिर तीसरे में दो है, एक है फॉर्म ऑफ ओथ और अफर्मेशन टू बी मेड बाय अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू एम पार्लियामेंट। अगर आप सांसद का या पार्लियामेंट का, संसद का चुनाव लड़ना चाह रहे हो, तब आपको कौन सी शपथ लेनी होगी। और दूसरा है फॉर्म ऑफ ओथ और अफर्मेशन टू बी मेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर आप सदस्य बन चुके हैं, आप चुनाव जीत चुके हैं, तब आपको कौन सी शपथ लेनी होगी। तो इसमें दो होते हैं। अब यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो है तीसरे का पहला, यानी कि दिस वन, ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब अगर आप ये शपथ नहीं लेते तब आपकी एलिजिबिलिटी कैंसल कर दी जाती है और आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो, इट इज मैंडेटरी। फिर से वही है, क्योंकि जब आप चुनाव लड़ रहे हो तो चुनाव लड़ने के लिए आपको शपथ लेना पड़ रहा है। तो हो सकता है किसी को ये लगता हो कि जब हम राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े होते हैं तो हम शपथ लेते नहीं लेते, तो आंसर होगा भाई कि नहीं लेते। नो नीड फॉर अ कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जब आप खड़े होते हो तब आप शपथ नहीं लेते हो। पार्ट फोर्थ, फॉर्म ऑफ ओथ और अफर्मेशन टू बी मेड बाय द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द कैग ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेज क्या शपथ लेंगे और भारत का कैग क्या शपथ लेगा, ये चौथे में आता है। कैग मतलब लोक लेखा नियंत्रक और परीक्षक, महानियंत्रक और परीक्षक। तो अभी तक तो आप देख रहे थे ये पूरा यूनियन का था, अब स्टेट्स का शुरू हो जाएगा। तो सेम वही है, जैसे पहले पद और गोपनीयता की यूनियन के मंत्रियों ने ली, अब स्टेट के मंत्री लेंगे, पहले ये ऑफिस का लेंगे। तो वही लॉजिक, जैसे प्रधानमंत्री के लिए अलग से नहीं है, इन द सेम वे नथिंग इज सेपरेट फॉर चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, वो पद का था एंड इट इज रिलेटेड टू सीक्रेसी, ये गोपनीयता के लिए होता है। फिर इसमें भी दो बातें हैं कि जैसे उसमें हमने पहले देखा था कि अगर आपको पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन लड़ना है तो आप 3A करते थे, यहां पे अगर आपको विधायिका के लिए चुनाव लड़ना है फॉर MLA तो आप 7A भरोगे और ये मैंडेटरी होगा, जैसे 3A मैंडेटरी था। बट अगर आप चुन लिए गए हो, मेंबर आप उसके हो चुके हो, तब आपको किसकी शपथ लेनी होती है, वो B में लिखा हुआ है, ठीक है, 7B। पार्ट 8 द सेम, वहां पर क्या था, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे और कैग था, यहाँ पे है जजेज ऑफ हाई कोर्ट, और कैग चूंकि एक ही है तो कैग आ नहीं सकता, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट था, हियर इट इज हाई कोर्ट। बस केवल ये 8 अलग अलग होते हैं ओथ एंड अफर्मेशन। नाउ फोर्थ शेड्यूल, तो चौथी अनुसूची किससे रिलेटेड है हमारी, आर्टिकल 4 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 80 क्लॉज 2। क्या है ये, अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीट मिलेगी, ये चौथी अनुसूची में है, फोर्थ शेड्यूल में है। दीज आर द लिस्ट, दीज आर द नंबर्स,
ये नंबर्स हैं जो बता रहे हैं कि आगे और भी स्टेट्स के हैं, सभी स्टेट्स के हैं। सो ये नंबर्स हैं जो बता रहे हैं कि किस स्टेट के पास कितनी राज्यसभा सीट्स हैं। एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू लर्न और मेमोराइज ऑल द स्टेट्स एंड देयर सीट्स, बट यू मस्ट नो अ कॉमन ट्रेंड। कुछ एक दो कॉमन चीजें आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि हाइएस्ट नंबर ऑफ सीट उत्तर प्रदेश की है, 31। बट ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि द सेकंड हाईएस्ट किसकी है। तो सेकंड हाईएस्ट आप ध्यान रखोगे हियर, सेकंड हाईएस्ट इज महाराष्ट्र। सेकंड हाईएस्ट किसका है? महाराष्ट्र का है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश 31 है, आगे मिल जाएगा। एंड द सेकंड हाईएस्ट इज महाराष्ट्र, 19 है, 19। और एक और आपको मैं हेल्प कर दूं आपकी, अब आप असम देखो, ध्यान से देखना, इट इज इंपॉर्टेंट। असम के पास कितनी है? 57। तो असम को छोड़कर नॉर्थ ईस्ट में जो भी बच रही है, आप सेवन सिस्टर्स बोलो, नॉर्थ ईस्ट बोलो, जो भी स्टेट्स उधर हैं, जो भी स्टेट्स इन द सेंस सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, जितने भी बचे सभी में केवल एक सीट है। कितनी? वन। सभी में राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं? केवल एक। मतलब केवल और केवल असम इकलौता है जिसमें सात हैं, बाकी उस इंडिया के ज्योग्राफिकल डिवीजन में जितने भी स्टेट्स हैं सभी की राज्यसभा सीट केवल और केवल एक है। तो ये दो तीन बातें आप ध्यान रखोगे। पंजाब सात है ना? ये देखो यूपी 31 है, 31। लुक आई हैव हाईलाइटेड, लुक आई हैव हाईलाइटेड नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, सभी में एक ही है। एक और आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट बन जाता है, दैट इज तेलंगाना। क्योंकि आंध्रा से बाइफरकेट हुआ है, तो आप ध्यान रखोगे कि तेलंगाना के पास कितने हैं? सात। और या दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जम्मू कश्मीर आजकल बहुत चर्चा में है, तो यू मस्ट रिमेम्बर कि जम्मू कश्मीर में केवल चार है। तो तेलंगाना में सात हैं, जम्मू कश्मीर हैज फोर, यूपी हैज हाईएस्ट 31, महाराष्ट्र हैज सेकंड हाईएस्ट, एंड असम 7, बाकी जितने भी बच रहे उस ज्योग्राफिकल डिवीजन में दे ऑल हैव दे ईच हैज वन। क्लियर? फिफ्थ शेड्यूल, अब इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर्टिकल्स 244 क्लॉज 1, केवल एक ही आर्टिकल है, और ये किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू द प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जाति। शेड्यूल्ड एरियाज अनुसूचित क्षेत्र और शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जाति, इनमें कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा और कैसे कंट्रोल होगा, इसके लिए फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल, दो शेड्यूल्स हैं, पांचवी अनुसूची और छठवीं, ये अलग से जोड़ी गई हैं। व्हाई दे आर सो सेपरेट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक रीजन व्हाई दे हैव बीन सेपरेटेड, तब आप इसको आसानी से समझ पाओगे, नहीं फिर आपको रटना पड़ेगा। क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, या फिर अगर हम प्रेजेंट के ही कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो दोनों, वेदर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, ट्राइब्स आर वेरी प्रिमिटिव। ट्राइब्स जो होते हैं दे आर बैकवर्ड बैकवर्ड है, और ज्यादातर ट्राइब्स ऐसे हैं कि दे डोंट जेल फ्रेंडली विद द कम्युनिटी, वो लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल नहीं पाते हैं, जो हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल है वो इसमें चेंज नहीं कर पा रहे खुद को, तो उनकी संस्कृति या सभ्यता नष्ट ना होने पाए, उनकी लाइफ में हम इंटरफियर ना करें। और हमारे लोग चूंकि वो सीधे साधे लोग होते हैं, तो आजकल के सो कॉल्ड एडुकेटेड पर्सन, ये उन्हें मैनिपुलेट ना करें, उन्हें मूर्ख ना बना सके, इन सबसे उनको बचाने की जरूरत थी। एंड फॉर दैट वेरी रीजन शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 बोथ मींस टू डिफरेंट शेड्यूल्स हैव बीन क्रिएटेड, दो अलग अलग अनुसूची बनाई गई, ताकि उनकी इन द सेंस ट्राइब्स की अपनी संस्कृति सभ्यता परिवेश सुरक्षित और संरक्षित रख सकें हम। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि प्रोविजंस क्या हैं। तो अब अभी हमने पढ़ा कि जो पांचवा हमारा शेड्यूल है ये किससे जुड़ा हुआ है? शेड्यूल्ड एरियाज से, अनुसूचित क्षेत्र। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है, एंड ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस पर्सपेक्टिव, अब आप ध्यान से इसे देखेंगे, दे आर वेरी फेवरेट टू यूपीएससी।
शेड्यूल्ड एरियाज आप किसको कहोगे? तो इन्होंने लिखा कि कोई भी ऐसा एरिया शेड्यूल्ड एरिया हो सकता है एज द प्रेजिडेंट मे बाय ऑर्डर डिक्लेयर, जिसको राष्ट्रपति अपने आदेश से डिक्लेयर कर दे कि ये शेड्यूल्ड एरिया है, वही शेड्यूल्ड एरिया है। हियर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला कौन डिक्लेयर कर सकता है, हु हैज अथॉरिटी टू डिक्लेयर, प्रेजिडेंट। अब आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में जो हमें कंफ्यूज करते हैं या हमसे गलत करा लेते हैं, वो बोलेगा कि द पार्लियामेंट विल डिक्लेयर, या फिर वो बोलेगा कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल डिक्लेयर, या फिर ऑप्शन में आपको ये मिल सकता है कि द रिलेटेड स्टेट विल डिक्लेयर, जिस राज्य में रहेंगे ट्राइब्स वो राज्य डिक्लेयर करेगा, या फिर हो सकता है कि द गवर्नर ऑफ द रिलेटेड स्टेट, उस स्टेट का गवर्नर ये डिक्लेयर करेगा कि ये शेड्यूल्ड एरिया है। तो आप ध्यान रखोगे कि कोई नहीं करेगा, केवल और केवल कौन करता है, द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडिया, भारत का राष्ट्रपति ये डिक्लेयर करेगा कि कोई भी एरिया शेड्यूल्ड एरिया है या नहीं है। सो द प्रेजिडेंट हैज अथॉरिटी कि वो समय समय पे क्या कर सकता है, वो किसी को भी एरिया डिक्लेयर कर सकता है, उसमें चेंज कर सकता है, या पहले से कोई एक डिक्लेयर्ड एरिया है तो उसे रिसिंड कर सकता है, मीन समाप्त कर सकता है, राष्ट्रपति उस मामले में कुछ भी कर सकता है। हाँ, ये आप ध्यान रखोगे, चूंकि हम शेड्यूल्ड एरिया की बात कर रहे हैं तो हमारी पांचवी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, दीज फोर स्टेट्स, दे आर नॉट इंक्लूडेड। क्यों? क्योंकि इनके लिए अलग से है ना यार, छठवीं अनुसूची है ना, आगे पढ़ेंगे अभी, तो ये पांचवी वाले में नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन फाइव, छठवीं में केवल यही चार हैं यहाँ और पांचवी अलग से है बाकी सभी के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है, रिपोर्ट बाय द गवर्नर टू द प्रेजिडेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। अब ध्यान से समझो, इसमें कुछ रटने जैसा नहीं है यार, ये लोगों को लगता है कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं कैसे रटू। अभी अभी हमने पढ़ा था कि पूरी जिम्मेदारी राष्ट्रपति के पास है कि वो शेड्यूल्ड एरियाज को गवर्न करे, बट राष्ट्रपति खुद तो करता नहीं, तो राष्ट्रपति की जगह पे कौन करता, गवर्नर करेगा उस राज्य का, राज्यपाल करेगा। तो राज्यपाल वहां पे किस तरीके से शासन कर रहा है, क्या क्या काम वहां पे वो कर रहा है, क्या करने की जरूरत है, इसकी रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को देता रहता है। किसको देगा, राष्ट्रपति को। अब यहाँ पे मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि लोकसभा को दे देगा या फिर विधान परिषद को दे देगा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देगा, नो नो नो, द गवर्नर विल गिव टू द प्रेजिडेंट, ठीक है, क्योंकि वही मेन है। अब अक्सर ये एनुअली दिया जाता है, साल भर में एक बार, लेकिन वेन एवर सो रिक्वायर्ड बाय द प्रेजिडेंट, कभी राष्ट्रपति को बीच में लग गया कि कुछ जानने की आवश्यकता है तो बीच में भी मांग सकते हैं। श्योर, ओके। हाँ, तो अब होगा क्या, राज्यपाल कैसे गवर्न करेगा, तो राष्ट्रपति ने यह अधिकार दिया राज्यपाल को कि आप गवर्न करोगे, तो राज्यपाल करेगा कैसे, एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होगी, क्या होगी, देखो लिखा है इन ईच स्टेट, सभी स्टेट्स में, उन सभी स्टेट्स में जहां भी शेड्यूल्ड एरियाज होंगे वहां पे एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होगी। लेकिन ऐसे भी एरियाज, ऐसे भी स्टेट्स जहां पर शेड्यूल्ड एरियाज तो नहीं है लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो प्रेजिडेंट चाहे तो वहां भी ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बना सकता है। मतलब समझ रहे हैं, जहां पे शेड्यूल्ड एरिया होगा वहां पे तो काउंसिल होगी ही होगी, बट जहां पे शेड्यूल्ड एरिया नहीं है बट शेड्यूल्ड ट्राइब्स बहुत सारे हैं, राष्ट्रपति वहां भी ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल दे सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हैं, ये सारी बुक में लिखने में अच्छी लगती हैं, बट मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊं तो वे सभी क्षेत्र जहां पर ट्राइब्स ज्यादा होते हैं उनको शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर राष्ट्रपति कर देता है, तो इस बात की संभावना बनती ही नहीं है, संभावना तो बनती है मतलब, लेकिन इस बात की जरूरत ही नहीं महसूस होती कि राष्ट्रपति ऐसा अलग से करे, ठीक है। अब ये भी बड़ा प्रैक्टिकल है, जैसे कि आप समझो कि हमने पांचवी अनुसूची ट्राइब्स को क्यों अलग से दी, ताकि उनकी अपनी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनके परिवेश नष्ट ना होने पाए, और अगर राष्ट्रपति ये गवर्नर को अधिकार दे देगा कि टू रूल देयर, तो क्या गवर्नर उन्हीं का है क्या कि उनकी संस्कृति सभ्यता को बचाएगा, तो ऑब्वियस है कि गवर्नर की हेल्प के लिए द गवर्नर नीड्स अ काउंसिल, और वो काउंसिल किसकी होगी, वो ट्राइब्स की ही होगी। सो दैट्स व्हाई ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल वहां पर चाहिए ही चाहिए। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि इस काउंसिल में नॉट मोर देन 20 मेंबर्स, 20 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए, और ये 20 मेंबर आते कहां से हैं, एज नियरली एज मे बी थ्री फोर्थ तो होने चाहिए,
लेजिस्लेटिव असेंबली से, किस लेजिस्लेटिव असेंबली से, जिस राज्य की बात हो रही हो उसकी विधानसभा से तीन चौथाई होने चाहिए। बट अगर तीन चौथाई नहीं हो पाया तो फिर बाकी के लोगों को भी ले लो आप उस राज्य से, लेकिन कोशिश करें कि तीन चौथाई वहीं से हो। इसीलिए एज नियरली लगा हुआ है, मतलब जरूरी नहीं कि तीन चौथाई ही हो, बट तीन चौथाई की कोशिश होनी चाहिए। नहीं हो पाए, कम पड़ गए, तो फिर बाहर से लिए जाएंगे। करेगा क्या, इसका काम क्या है काउंसिल का? अभी भी हमने ये डिस्कस किया था, चूंकि द प्रेजिडेंट हैज गिवन अथॉरिटी टू गवर्नर, बट गवर्नर खुद से नहीं कर सकता ना यार। गवर्नर इज नॉट सो फैमिलियर, द गवर्नर इज नॉट सो अवेयर, या फिर गवर्नर खुद तो उस ट्राइब का पार्ट नहीं है। सो उसके लिए वो काउंसिल क्या करेगी? टू एडवाइज द गवर्नर, गवर्नर को एडवाइज करेगी, सलाह देगी। अब इम्पोर्टेंट है कि अगर वो एडवाइजरी बॉडी, ट्राइबल बॉडी, गवर्नर को एडवाइज कर रही, तो मेन कौन हुआ? इट इज गवर्नर और इट इज द काउंसिल। सो हियर इट इज रिटन, द गवर्नर मे मेक रूल्स टू रेगुलेट द काउंसिल। गवर्नर उस काउंसिल को रेगुलेट करने के लिए कानून बना सकता है। सो पॉइंट इज दैट गवर्नर इज सुपीरियर टू द काउंसिल, काउंसिल इज देयर टू एडवाइज द गवर्नमेंट, गवर्नर, लेकिन ओवरऑल गवर्नर कैन रेगुलेट द स्टफ। और अब कौन कौन से ऐसे कानून हैं जो उस क्षेत्र में, शेड्यूल्ड एरिया में एप्लीकेबल होंगे? क्या यूनियन गवर्नमेंट के सारे लॉज एप्लीकेबल होंगे? क्या स्टेट गवर्नमेंट के सारे लॉज एप्लीकेबल होंगे? तो कौन से होंगे, कौन से नहीं होंगे, ये कौन तय करेगा? गवर्नर। अब ध्यान रखो कि सारी जिम्मेदारी गवर्नर की है, गवर्नर को जो सही लगेगा वही कानून वहां पे लागू होंगे, जो उसको नहीं सही लगता वो कानून वहां पे लागू नहीं होंगे। तो अब क्या ये जो हमारा है शेड्यूल्ड एरियाज नहीं, अब हम आ जाते हैं इस पांचवी अनुसूची पर, फिफ्थ शेड्यूल पर। क्या ये जो फिफ्थ शेड्यूल है इसे कौन चेंज कर सकता है? अब ध्यान रखेंगे, डोंट गेट इट कंफ्यूज्ड, जो शेड्यूल्ड एरियाज है, अनुसूचित क्षेत्र, वो तो राष्ट्रपति सब कुछ कर रहा था, लेकिन ये जो पांचवी अनुसूची है, जो हम अनुसूची पढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये जो पांचवी अनुसूची है क्या इसमें संशोधन हो सकता है, और होगा तो कौन करेगा? सो हियर इट इज मेंशन दैट पार्लियामेंट में, संसद समय समय पर इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन द इम्पॉर्टेंट एंड द ट्रिकी पॉइंट इज दैट इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संशोधन तो होगा बट इसे संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा एज पर आर्टिकल 368। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिनमें लोग गलतियां करके चले आते हैं। अब ये क्यों नहीं माना जाएगा संविधान में संशोधन? व्हेन वी विल टॉक एंड रीड अबाउट द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल डिस्कस इन डिटेल। तब तक के लिए आप ये जानते रहो कि ये जो पांचवी अनुसूची या छठवीं में भी, जो छठवीं आगे पढ़ेंगे, पांचवीं या छठवीं अनुसूची में जो चेंजेस होंगे, दे आर नॉट कंसीडर्ड द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, गाइडलाइंस फॉर क्लासिफिकेशन एज शेड्यूल्ड एरिया। क्या ऐसी कोई गाइडलाइंस है कि राष्ट्रपति किन एरियाज को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करेगा या किसको नहीं करेगा? एंड दिस वेरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, स्पेशली फॉर मेंस पर्सपेक्टिव। यूपीएससी के फेवरेट में से आते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि अगर राष्ट्रपति को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करना ही है तो वो किस आधार पे डिक्लेयर करेगा, क्या क्या गाइडलाइंस हैं उसकी। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो सच इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में ऐसी कोई गाइडलाइन मेंशन नहीं है। सेकेंड, जो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे लिए, कि द टर्म इज यूज्ड विद द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब कभी भी शेड्यूल्ड एरिया टर्म यूज किया जाता है, इसके साथ शेड्यूल्ड ट्राइब्स टर्म भी यूज किया जाता है अक्सर, और इसलिए हमको एक ये हिंट है, हम डिड्यूस कर सकते हैं कि शेड्यूल्ड एरिया चूंकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स से जुड़ा है, तो इसका मतलब वो एरिया होना चाहिए जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन अधिक संख्या में हो, क्योंकि शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब दोनों आपस में जुड़े हैं। तो अगर शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है तो फिर शेड्यूल्ड एरिया कैसे होगा? हालांकि कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये एक अनुमान है। तो एक अजम्पशन ये है कि
जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, आप ये सब आंसर में अपने मेंशन कर सकते हो अपने वैल्यू एडिशन के लिए, टू मेक योर आंसर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये काफी अच्छे पॉइंट्स हैं। एक जो जनरल परसेप्शन है वो ये है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ना, इट इज प्रिमिटिव और बैकवर्ड, ये पिछड़े हुए लोग होते हैं, एंड आर इनकेपेबल ऑफ सेफ गार्डिंग इट्स वेलफेयर। ये इतने केपेबल नहीं होते कि ये अपना भला कर सकें, इसलिए इट रिक्वायर्स प्रोटेक्शन। इनको प्रोटेक्शन करने की जरूरत है, कुछ ऐसे रेगुलेशंस चाहिए, कुछ ऐसे रूल्स चाहिए होते हैं ताकि इनकी लैंड कोई ना ले पाए, या फिर इनको कोई जमीन लेने के चक्कर में ऐसा ना हो कि मनी लेंडिंग करे और बाद में इनकी जमीन इनसे लिखवा ले, क्योंकि इनके पास तो वही होता है और कुछ इनके पास होता ही नहीं है। तो इन सारी चीजों से इन्हें बचाने के लिए रूल्स की आवश्यकता फील की जाती है। नाउ क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग शेड्यूल्ड एरियाज। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि क्या कोई ऐसी गाइडलाइन है क्या जिसको राष्ट्रपति को फॉलो करना चाहिए व्हाइल डिक्लेयरिंग एनी एरिया अ शेड्यूल्ड एरिया। तो हमने देखा कि संविधान में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं। आपको ये ना लगे कि इट इज अ रिपीटेशन ऑफ द पॉइंट। कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं एज मेंशन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय के द्वारा कुछ गाइडलाइंस ऐसी दी गई हैं जो ध्यान में रखी जाती हैं और फिर शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर किए जाते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि प्रीपोंडरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन मींस ट्राइब्स की जनसंख्या वहां पर अधिकता हो, प्रीपोंडरेंस हो, अधिकता हो। कॉम्पैक्टनेस एंड रीजनेबल साइज ऑफ द एरिया, वो क्षेत्र का जो आकार है वो रीजनेबल हो, ऐसा ना हो कि आप पूरे के पूरे एक मतलब उत्तर प्रदेश बराबर क्षेत्र को ही शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर दे रहे हैं। तो लॉजिकल एरिया होना चाहिए, वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी हो, कुछ ऐसा क्षेत्र हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, ब्लॉक हो, तालुका हो, कुछ भी ऐसा हो जहां पर प्रशासनिक रूप से शासन किया जा सके। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द एरिया एज कंपेयर्ड टू द नेबरिंग एरियाज, उसके पड़ोस के क्षेत्रों की तुलना में वो आर्थिक रूप से पिछड़ापन होना चाहिए क्षेत्रों में। तो एक ट्राइब्स की अच्छी जनसंख्या हो, एक साइज सही तरीके का हो, प्रशासनिक होना चाहिए सुटेबल, आर्थिक रूप से पिछड़ापन होना चाहिए तुलनात्मक रूप से। और फिर आगे इन्होंने कहा कि ये वो क्राइटेरिया है जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन नहीं है, अभी भी हमने पढ़ा, लेकिन इन्होंने कहा है कि हैव बिकम वेल एस्टैब्लिश्ड, आज ये एक परंपरा जैसे हो चुके हैं। और 1950 से लगा के 2007 तक का ये मेरे पास अपडेट है, मंत्रालय पे इतना ही था। इन्होंने कहा कि 2007 तक में जितने भी ऑर्डर जारी किए गए हैं सभी में इन बातों का ध्यान रखा गया है और इसके आधार पर ही शेड्यूल्ड एरियाज डिक्लेयर किए गए हैं। ये किसका कहना है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये डेटा है जिसको अगर आप कोट करते हैं मेंस के एग्जाम में, सो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल एंड इट वुड मेक योर आंसर वेरी एक्सलेंट। और अब एक आखिरी पॉइंट बच रहा है इसमें कि कितने राज्यों में ये शेड्यूल्ड एरियाज हैं। तो टोटल 10 स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। टोटल 10 स्टेट्स हैं जिनमें ये ट्राइब्स एरियाज हैं, शेड्यूल्ड एरियाज हैं। अब आपके लिए याद रखने के लिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। आप इंडिया का मैप इमेजिन करो और ऊपर से शुरू करें। तो ऊपर से हैं तो सबसे पहले हिमाचल, हिमाचल के साइड में आप आ गए हैं पंजाब। तो आपको पता ही होगा कि पंजाब में जनसंख्या, सॉरी ये क्या बोलते हैं, ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब्स, पंजाब में शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं है। हालांकि आपके लिए थोड़ा सा मैं करंट का पॉइंट यहाँ पे जोड़ दूं, हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और भारत सरकार दोनों को एक लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जिनको हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दे सकते हैं, पंजाब में ये भी है। लेकिन अभी तक का डेटा कहता है कि पंजाब में ऐसे कोई शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है। आप चाहें तो उसको, उस न्यूज को गूगल पे सर्च करके और डिटेल में कर लेंगे कि कौन कौन से ट्राइब्स पंजाब में मिले हैं जिन्हें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जा सकता है। तो अब ऊपर से शुरू करते हैं, सबसे पहले हिमाचल, बगल में आए पंजाब, पंजाब में है नहीं, फिर आप सीधे साइड में चले जाओ राजस्थान, राजस्थान के नीचे आए गुजरात, गुजरात से हम नीचे चले गए महाराष्ट्र, बगल में हम आए महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र
मध्य प्रदेश, फिर उससे जुड़ता हुआ छत्तीसगढ़ और झारखंड, उसके बगल में ओडिशा, उसके नीचे आप चले आए आंध्र प्रदेश और उससे अलग हो गया तेलंगाना। तो इजी है, ऊपर से एकदम एस के आकार में चला आ रहा है, हिमाचल से शुरू किया, फिर राजस्थान की तरफ गए, फिर इधर उड़ीसा की तरफ आए, फिर तेलंगाना की तरफ चले गए, मतलब एस के आकार में ऊपर से शेप में ये बनता चला जा रहा है, एंड इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर। नाउ सिक्स्थ शेड्यूल है, छठवीं अनुसूची, इसमें कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल्स 244 सब क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 275 क्लॉज 1। तो अभी हमने पांचवे में पढ़ा था कि वो सभी ट्राइबल एरियाज से जुड़ा है, ये केवल चार से है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। शॉर्टकट में बोलते हैं, जो आज एक सभी को पता है शॉर्टकट, बोलते हैं एटीएम मशीन। क्या बोलते हैं? एटीएम मशीन। ये शॉर्टकट आज ज्यादातर सभी जानते हैं, अ वेरी फेमस निमोनिक इनको याद रखने का, ए से असम, असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम और मशीन मेघालय के लिए। क्यों? क्योंकि एटीएम मशीन की जिसने खोज की, माना जाता है कि उसका जन्म मेघालय में हुआ था। अब यहां पे क्या है, जैसे आपने देखा पांचवी अनुसूची में कि एक ट्राइबल थी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल थी, यहां पर क्या होगा, यहां पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनोमस रीजन बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनोमस रीजन। अब आप कंफ्यूज नहीं होगे, पांचवी में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल थी और छठवीं में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनोमस रीजन्स होंगे। तो अब वो क्या होगा, सबसे पहले तो देखिए क्या करेंगे कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ही होंगे, लेकिन मान लीजिए कि कोई एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट ट्राइब्स हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट में अलग-अलग जनजातियां रहती हैं, तो उन अलग-अलग जनजातियों को अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा और उसके लिए बनाया जाएगा ऑटोनोमस रीजन्स, जो कौन करेगा? गवर्नर, क्योंकि गवर्नर के पास इसकी पूरी अथॉरिटी होती है टू डू दैट। अब वेरी सिंपल है कि जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है इस पे कौन शासन करेगा, तो इस पे शासन करेगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और जो ऑटोनोमस रीजन है इस पर कौन गवर्न करेगा, तो इस पे गवर्न करेगा रीजनल काउंसिल। सिंपल है, समझ पा रहे हैं? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है तो उसको गवर्न करने के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस रीजन है तो उसको गवर्न करने के लिए रीजनल काउंसिल। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कितने मेंबर्स होंगे? नॉट मोर देन 30, या 30 से ज्यादा नहीं हो सकते, ये इलेक्ट किए जाएंगे। और चार लोग ऐसे हैं, फोर पर्संस, जिनको कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर। ठीक है, बाकी सभी चुने जाते हैं, ये जो 30 हैं इसमें से चार गवर्नर अपॉइंट करेगा, बाकी के जो 26 बचे वो चुने जाते हैं। अब ये वही बातें हैं जो पीछे की थी कि कौन क्या शासन करेगा। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में कौन शासन करेगा? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। किन किन चीजों पे ये शासन करेगा आगे हमें मिल गया है, ये सारी बातें वही लिखी हैं, चाहे तो आप पढ़ें या स्किप कर देंगे। और जहां पे देखिए दो बातें आ गई, आप ध्यान दो, यहाँ पे समझने वाली बातें हैं कि जहां पे केवल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, वेयर वी हैव ओनली ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, एट दैट वेरी प्लेस ओनली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विल गवर्न। बट कंसिडर अ सिचुएशन और एन एरिया विच हैज बोथ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज रीजनल काउंसिल, ऑटोनोमस रीजन, तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट भी है, ऑटोनोमस रीजन भी है, और डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, रीजन के लिए रीजन काउंसिल, तो कौन शासन करेगा? कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे ना जहां पे ओवरलैप कर जाएगा कि रीजनल काउंसिल करेगा या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो ऐसी सिचुएशन में रीजनल काउंसिल ही करेगा। क्लियर? और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट अगर केवल है उसमें रीजनल काउंसिल नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल करेगा, लेकिन अगर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑटोनोमस रीजन भी है तो रीजनल काउंसिल करेगा, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल केवल और केवल उन्हीं क्षेत्रों में करेगा जो रीजनल काउंसिल छोड़ता है। ये दोनों बातें इन्हीं पॉइंट्स में मेंशन है। फिर क्या है कि वही सारी बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट यूं ही लिख दिया गया है टू कंप्लीट द स्टफ, आप चाहो तो पढ़ो या स्किप कर दो, कि ये जो इलेक्टेड मेंबर होंगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, 30 थे, चार नॉमिनेटेड और दो इलेक्टेड, तो जो इलेक्टेड है इनका टर्म है भाई 5 ईयर्स का, ठीक है, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इनका टर्म है एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल जब चाहे हटा दे। अब पावर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल्स टू मेक लॉज,
डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स या रीजनल काउंसिल्स कैसे गवर्न कर सकते हैं या किन किन विषयों पे कानून बना सकते हैं। तो आप सिंपल याद रखो, एक दो चीजें मैं आपको बता दूं ताकि आपको रटना ना पड़े। लैंड, माइनर फॉरेस्ट, माइनर माइंस, ये सारी किसकी होती है? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल की। जमीन, छोटे जंगल और छोटे छोटे खनिज, बड़े नहीं, माइनर शब्द का ध्यान रखोगे आप। फॉरेस्ट नहीं, माइनर फॉरेस्ट, माइंस नहीं, माइनर माइंस, ठीक है? ये सारे इनके होते हैं। बाकी इनकी जो अपनी संस्कृति, सभ्यता, शादी, विवाह, दहेज, जो भी है, वट एवर, उस पे तो ये करेंगे ही करेंगे। उन्हीं के लिए वर्ड सब लिखे हुए हैं। यूज ऑफ लैंड, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, यूज ऑफ एनी कैनाल, प्रैक्टिस ऑफ झूम और अदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ विलेज और टाउन कमिटीज और काउंसिल्स, एंड एनी अदर मैटर रिलेटेड टू विलेज और टाउन एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस और पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन, जो भी उनके अपने हैं, सभी के सभी। अपॉइंटमेंट और सक्सेशन ऑफ कौन उनका चीफ होगा, कौन उसका उत्तराधिकारी होगा, प्रॉपर्टी किसको उत्तराधिकार में जाएगी, शादी, डिवोर्स, सोशल कस्टम्स और इन सारी छोटी छोटी चीजों पे टैक्स लगाना भी, ये सारी अधिकार इनके पास होते हैं। दे ऑल हैव दिस। माइनर मिनरल, वी हैव दिस, डन दिस वन। हाँ, दिस वन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे अभी तक हमने पढ़ा कि द गवर्नमेंट है, सॉरी, द गवर्नर हैज रोल टू नॉमिनेट फोर मेंबर्स। जैसे हमने देखा ना कि 26, 30 में से 26 आर इलेक्टेड बट फोर आर नॉमिनेटेड, चार को गवर्नर नॉमिनेट करेगा। ऐसे एक दो पॉइंट्स और हमने देखे जिनमें गवर्नर रेगुलेट करेगा। तो ये जो काम गवर्नर कर रहा है, क्या गवर्नर के पास अपना स्वाविवेक है या वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा? तो यहां पर आपकी हेल्प के लिए लिखा गया है, द गवर्नर एक्सरसाइजेज हिज फंक्शंस अंडर द शेड्यूल, इस शेड्यूल के तहत, विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आपको ये ना लगे कि राज्यपाल पूरी तरीके से स्वतंत्र है, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, लिखा है अनलेस ही इज एक्सप्रेसली और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन। कुछ एक दो केसेस ऐसे हैं जहां पर राज्यपाल का अपना स्वाविवेक है, बाकी सभी केसेस में राज्यपाल इस अनुसूची में जो कुछ भी करेगा, इस अनुसूची में, इसके पिछली की बात नहीं कर रहे, इस अनुसूची, पांचवी में नहीं, डोंट गेट इट कंफ्यूज, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली सिक्स्थ शेड्यूल, नॉट द फिफ्थ शेड्यूल। इस सिक्स्थ शेड्यूल में इस सभी के अलावा जो कुछ भी राज्यपाल करेगा वो मंत्रिपरिषद की ही सलाह पर करेगा, विद द एड एंड एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये इसकी सलाह ले रहा है, इसका मतलब है कि स्टेट लेजिस्लेचर का कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स पर है और स्टेट के अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स पे काम कर रही है, मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट इट इज वर्किंग। क्यों? क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट एग्जीक्यूटिव मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये राज्यपाल को एडवाइस करेंगे और राज्यपाल आगे फंक्शन करेगा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या काउंसिल के लिए। सो इट हैज अथॉरिटी। अब एक क्वेश्चन आता है जो बहुत सारे ज्यूरिस्ट रेज करते हैं। आई वुड लाइक यू टू थिंक फॉर दिस क्वेश्चन एंड कमेंट योर आंसर, अ कंप्लीट आंसर। और ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी के लिए खूब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। The question is that this sixth schedule is not a constitution within the constitution. Some people actually say that the sixth schedule is so comprehensive that it is a constitution within a constitution. ये संविधान के अंदर ही एक संविधान है। तो आपको अपना आंसर एक्सप्लेन करना है कि नहीं, छठवीं अनुसूची संविधान के अंदर का एक संविधान नहीं है। क्या आप लिखने जा रहे हो? जस्ट थिंक एंड राइट योर आंसर। सेवेंथ शेड्यूल, सातवीं अनुसूची, आर्टिकल 246 है। किससे रिलेटेड? तीन लिस्ट है इसमें, सेपरेशन ऑफ पावर में, शक्तियों के डिवीजन ऑफ पावर, सॉरी, उसमें तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट,
इस पे केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगा। ओरिजिनली 97 थे शुरू में, अब 100 विषय हैं। फिर सेकेंड लिस्ट है स्टेट लिस्ट, जिस पर केवल राज्य सरकार बनाएगा। शुरू में 66 थे, अब 61 हो रहे हैं। आप देख रहे हो कि केंद्र का बढ़ रहा है और स्टेट का कम हो रहा है। और कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, ओरिजिनली 47, आज 52। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मेंस में आपके आंसर राइटिंग में इट विल हेल्प यू। ओरिजिनली इट वाज 97 एंड इट इंक्रीज्ड, ये बढ़ गया। ओरिजिनली इट वाज 66 एंड इट डिक्रीज्ड, ये घट गया। ओरिजिनली इट वाज 47 सॉरी एंड इट इंक्रीज्ड, ये बढ़ गया। और आपको पता ही है कि कॉन्करेंट में अगर क्लैश करता है, केंद्र और राज्य दोनों बना तो सकते हैं, लेकिन दोनों ने बना दिया तो किसका माना जाएगा? ऑब्वियसली माना जाएगा यूनियन का। तो ये सीधा आपको एक हिंट कर रहा है कि धीरे धीरे चीजें यूनियन की दिशा में बढ़ती जा रही है। एंड सम पीपल एंड स्पेशली द यूपीएससी इन एग्जाम्स, दे आस्क दैट दिस ट्रेंड, द शिफ्टिंग ऑफ पावर, दिस ट्रेंड इज नॉट गुड फॉर आर फेडरल स्ट्रक्चर। डू यू अग्री और नॉट? यू कैन कमेंट, यू आर फ्री टू डू दैट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक डॉक्ट्रिन होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथन सब्सटेंस, नाम है इसका डॉक्ट्रिन ऑफ पिथन सब्सटेंस। अब जस्ट कंसीडर द प्रॉब्लम सिचुएशन, यू नो हमने पढ़ा कि कोई एक ऐसा है लिस्ट में, कुछ ऐसा है जो लिस्ट वन में है और एक दूसरा पॉइंट है जो लिस्ट टू में है। मींस देयर इज अ सब्जेक्ट व्हिच इज मेंशनड इन यूनियन लिस्ट, देयर इज अनदर सब्जेक्ट व्हिच इज मेंशनड इन स्टेट लिस्ट। बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट बोथ सब्जेक्ट्स ओवरलैप समवेयर और अदर। एक केंद्रीय सूची का विषय है, एक राज्य सूची का विषय है, और दोनों कहीं ना कहीं आपस में टकरा रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। नाउ इन दिस सिचुएशन हु विल फ्रेम द लॉज, कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र को है या राज्य को है? क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं आपस में ओवरलैप कर जा रहे हैं, तो किसका माना जाएगा? इट वुड बी कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ यूनियन और इट वुड बी कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तो इन सच सिचुएशन कोर्ट क्या करती है? द कोर्ट चेक्स द डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। न्यायपालिका पिथ और सब्सटेंस के सिद्धांत को अपनाती है। तो व्हाट इज दिस पिथ एंड सब्सटेंस डॉक्ट्रिन? We will see right now. So the word pith, pith means true nature, essence, किसी भी चीज का जो main point होता है, that is called prith, pith, sorry, not prith. Substance, it is the most important part of something. किसी चीज में जो सबसे important part है, that is called substance. तो pith and substance का मतलब क्या हो गया? The most important part of something, the essence of something. So what the judiciary does, judiciary checks the subject of union list, the subject of state list, and it checks कि इन दोनों में से इसका जो main part है वो किस में जा रहा है, उससे जुड़े हुए parts नहीं कि इसका थोड़ा सा touch इसमें भी है, थोड़ा सा उसमें भी है, थोड़ा सा किसी और में। No, no, no. It doesn't look the related stuff. It goes only to the core. टू दी सब्सटेंस, टू द इसेंस, और वो इसेंस जिसमें होता है, इफ इट फॉल्स इन द यूनियन इट इज यूनियन, इफ इट फॉल्स इन द स्टेट लिस्ट इट इज स्टेट लिस्ट। क्लियर? और तो इसलिए ये जो पिथ एंड सब्सटेंस डॉक्ट्रिन है, इट हेल्प्स मेंटेन द फेडरल बैलेंस इन द इंडियन स्कीम ऑफ थिंग्स। क्यों? क्योंकि अगर पिथ एंड सब्सटेंस नहीं होगा तो अब ध्यान से देखना आप लिस्ट को, दे जनरली ओवरलैप। बहुत बार होता है कि ये ओवरलैप कर जाते हैं और फिर समझना बड़ा मुश्किल होता है कि ये किसका पार्ट है। जैसे अगर मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊं तो डोंट गो अबाउट द यूनियन लिस्ट और द स्टेट लिस्ट, लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट, लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर। ठीक है, यू आर टॉकिंग अबाउट सॉइल, यू आर टॉकिंग अबाउट सॉइल, सो इज इट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, इज इट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, इज इट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, या फिर सॉइल के साथ साथ क्रॉप्स को भी ऐड कर लेते हैं, सॉइल्स एंड क्रॉप्स इन इंडिया। ज्योग्राफी में भी है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में भी है, इकोनॉमिक्स में भी है, हो सकता है आगे चल के इन्वायरमेंट में भी आ जाए। तो अब अगर चारों अलग अलग लोगों को दिया गया और कहा जाए कि सभी केवल अपने क्षेत्र में काम करेंगे, तो सॉइल एंड क्रॉप्स पे कौन करेगा?
तब ऐसे केसेस को डिसाइड करने के लिए द जुडिशरी वुड गो फॉर पिथ एंड सब्सटेंस कि इसका मेन इसेंस किस में आता है, और वो जिसमें भी होगा वही उस पर काम करेगा। एट शेड्यूल, आठवीं अनुसूची, आर्टिकल 344 क्लॉज 1 एंड 351। पता ही होगा आठवीं भाषा से जुड़ी हुई है, इट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। नहीं पता तो लिख लेंगे, इट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। तो या 14, व्हेन आर कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ तो शुरू में वी हैड ओनली 14 लैंग्वेजेस इन एर्थ शेड्यूल। आठवीं अनुसूची में हमारे पास केवल कितनी भाषाएं थी, 14। इन प्रेजेंट वी हैव 22 लैंग्वेजेस, वर्तमान में कितनी है, 22। कितनी ऐड हुई, पहले 14 थी आज 22 है, ऑब्वियस है 8 और ऐड हुई है। तो शुरू की 14 कौन सी थी, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। अब इंपॉर्टेंट है कि कौन सी 8 बाद में ऐड हुई है। सो हियर इज द लिस्ट। तो सबसे पहले हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 21, 21वें संविधान संशोधन में एक भाषा ऐड की गई, सिंधी, 21वें में। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 71 एंड इट एडेड 3 लैंग्वेजेस, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। तो टोटल कितनी हो गई, 4, एक सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो गया 92, और इसमें कितनी ऐड हुई, 4, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं बी डी एम एस। क्या बोलेंगे, बी डी एम एस, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, दीज आर द 4 लैंग्वेजेस। सो टोटल 4 और ऐड हुए, और सॉरी 18, 4 + 4, 1 + 3 + 4, दीज आर 8, और पहले 14 थे। सो टोटल इट इज नाउ 22 लैंग्वेजेस इन एट्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड कभी कभी क्या होता है कि पीपल जस्ट फॉरगेट कि कौन से वाले संविधान संशोधन में अंतिम के 4 ऐड हुए, बीडीएमएस जिनको शॉर्ट में बोलते हैं। तो इजी है हा? देखो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन हुआ, एंड आफ्टर दैट 71 हुआ, 71 दोनों को जोड़ दो, 21 और 71 कितने हो गए, 1 और 1 2 और 7 2 9 कितने, 92। ठीक है, सिंपल एज दैट। तो 92nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, बीडीएमएस 4 जोड़े गए। मूविंग नेक्स्ट, हाँ, इंक्लूजन फॉर अ लैंग्वेज क्राइटेरियन फॉर, क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया है क्या कि किस लैंग्वेज को ऐड करना चाहिए आठवीं अनुसूची में और किसको नहीं करना चाहिए, इज देयर एनी क्राइटेरिया, लेट्स चेक देम। सो इट इज अ पॉलिसी मैटर, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, इट इज नॉट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ पॉलिसी मैटर, ये सरकार के पॉलिसी का विषय होता है और इसलिए कोर्ट्स डू नॉट इंटरफियर इन सच मैटर्स। कोर्ट ऐसे मैटर्स में इंटरफियर नहीं करते। कोर्ट्स के इंटरफियर करने का तरीका क्या है, जुडिशियल रिव्यू करना। तो कोर्ट्स इन मामलों में जुडिशियल रिव्यू नहीं करते कि कौन सी भाषा ऐड हुई या नहीं हुई, कौन सी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, प्रोवाइडेड, केवल एक शर्त है, सच पॉलिसी इज नॉट वायलेटिव ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेचुटरी प्रोविजंस। ये जो पॉलिसी मैटर है ये किसी संवैधानिक या किसी विधिक प्रावधान का बस उल्लंघन ना करता हो। अगर ऐसा कर रहा है तो कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, नहीं कर रहा है तो इट इज टोटली अप टू द गवर्नमेंट एंड देयर पॉलिसी फ्रेमवर्क कि वो किस लैंग्वेज को आठवीं अनुसूची में ऐड कर रहे हैं और किसे नहीं ऐड कर रहे हैं। नाइन्थ शेड्यूल, ये लास्ट शेड्यूल है हमारा आज का, कंसिडरिंग चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है, सो वी विल एंड अप टू द नाइन्थ शेड्यूल टुडे एंड वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग शेड्यूल इन नेक्स्ट लेक्चर। आर्टिकल 31B इंसर्ट किया गया, और नवीं अनुसूची किससे जुड़ी हुई है, अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो लैंड रिफॉर्म एक्ट्स, भूमि सुधार कानून। इसमें बहुत सारे कानून हैं अलग अलग स्टेट्स के, एंड दे आर नॉट वेरी हेल्पफुल एंड वी आर नॉट गोइंग टू डील विद देम। बस आप इतना याद रखोगे कि नवीं अनुसूची, अनुच्छेद 31B और भूमि सुधार कानून।
हाँ, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दो इम्पोर्टेंट बातें, पहला कि ये नवीं अनुसूची जोड़ी कब गई, जोड़ी कब गई इन द सेंस हमने शुरू में डिस्कस किया था अगर आपको याद हो, दैट ओरिजिनली वी हैड ओनली 8 शेड्यूल्स, दिस वन इज 9th, तो ये ऐड की गई। ऑब्वियसली कब ऐड किया गया, इट वॉज एडेड बाई द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, पहले संविधान संशोधन में जो 1951 में हुआ, ये ऐड किया गया किस लिए, ताकि जो विषय इस 31 बी अनुच्छेद में रखे गए या 9वीं अनुसूची में डाले गए, दे वर बियॉन्ड द जुडिशियल स्क्रूटनी, ये वे विषय थे जिनका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता था, मींस न्यायपालिका इनको असंवैधानिक नहीं घोषित कर सकती थी, भले ही ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन क्यों ना करते हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एटलीस्ट लेट मी टेल यू टू और थ्री ब्रीफ थिंग्स इन वेरी ब्रीफ। व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, तो हमने जो फंडामेंटल राइट्स दिए थे, एंड देयर वर मेनी 7 फंडामेंटल राइट्स, एंड वन ऑफ देम वाज राइट टू प्रॉपर्टी। सो राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट, फर्स्ट इशू। सेकेंड, वी वॉन्ट लैंड रिफॉर्म्स, क्यों? क्योंकि हमारे किसानों के पास जमीन नहीं थी और जमींदार बहुत सारी जमीनों पर कब्जा किए हुए थे, सो वी नीडेड लैंड रिफॉर्म्स। बट प्रॉब्लम यही है कि इफ यू ब्रिंग एनी लॉ फॉर लैंड रिफॉर्म, आप उनकी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। व्हाई? बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी वॉज अ फंडामेंटल राइट, और अगर गवर्नमेंट ऐसा कर रही है तो वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा, और न्यायपालिका ऐसा होने नहीं दे सकती, बिकॉज इट इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट और द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन चीजों से बचने के लिए, ये सारे केसेस कोर्ट में गए और सरकार इनमें फंस गई, तो फिर इनसे बचने के लिए व्हाट द गवर्नमेंट डिड, गवर्नमेंट ब्रॉट द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड एडेड 9th शेड्यूल, और सरकार ने ये कहा कि जो कुछ भी 9वीं अनुसूची में होगा, मौलिक अधिकारों का वो हनन करता है या नहीं करता, न्यायपालिका उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगी। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन इन 2017, बहुत कम लोग इसको जानते हैं, बहुत कम बुक्स में ये मेंशन्ड है, आप ध्यान रखोगे, 2007 में एक केस आया सुप्रीम कोर्ट का, आईआर कोहेलो केस, पिछले 2-3 सालों से चर्चा में है। व्हाई? बिकॉज यूपीएससी हैज आस्क्ड दिस केस इन द एग्जाम। तो 2007 के इस आईआर कोहेलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑल द लॉज एडेड इन द शेड्यूल 9 आफ्टर अप्रैल 24, 1973, 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी कानून ऐड किए जा रहे हैं 9वीं अनुसूची में, सभी के सभी क्या हैं? ओपन टू जुडिशियल रिव्यू, सभी पर अब जुडिशियल रिव्यू लिया जाएगा, मींस अगर वो मौलिक अधिकार या संवैधानिक उपबंधों का हनन करते हैं, उन्हें वायलेट करते हैं, तो उन्हें असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। कब से? 24 अप्रैल 1973 के बाद जुड़े हुए सारे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 24 अप्रैल को था केशवानंद भारती केस, और उसने कहा कि जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट शेड्यूल 10, 11 एंड 12, एज वेल एज वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो थैंक यू, एंड डू गिव योर फीडबैक, वी वुड वेट फॉर योर फीडबैक, वी वुड वेट फॉर योर सजेशंस एंड अदर रिकमेंडेशंस, एंड वी वुड लव फॉर योर एनी क्वेरी एंड योर रिप्लाई। थैंक यू।